नमस्कार। देश के विकास के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी नितांत जरूरी होती है और इसीलिए सरकारें ये सुनिश्चित करती हैं कि समाज के हर वर्ग के लिए जहां भी सुविधाओं की कमी है या कहीं कुछ गैप्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए किसी न किसी प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करें। हम पिछले लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई अनेक अनेक योजनाओं पर प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में एज एक्सपर्ट मौजूद हैं श्री एआर खान साहब। आप रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, आपकी अगर क्रेडेंशियल्स की मैं बात करूं तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपने लीडरशिप थ्रू एग्जाम्पल यानी करके अपनी लीडरशिप को स्थापित किया, ना कि सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें करके। आप ऑनररी सीनियर फेलो हैं HCM रीपा के, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, सीनियर एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आपको आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए आउटस्टैंडिंग सोशल सर्विसेज के लिए सेवा रत्न अवार्ड 2018 में राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया, स्टेट अवार्ड दिया गया, और एक लंबी फहरिस्त है। सर के साथ बातचीत करेंगे तो आपको अनुभव से लगेगा कि इन्होंने कितना काम समाज के लिए किया है। साथ में हैं शरफुद्दीन बेग साहब, आप सहायक निदेशक हैं अल्पसंख्यक मामलात विभाग, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा सर मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरकारें जो है समाज के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर के आती हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए खास तौर से मैं आज दो एरियाज पर फोकस करना चाहूँगा, पहला एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। किस तरह की योजनाएँ सरकार ने शुरू की? देखिए, माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट की बहुत सी योजनाएं और उप योजनाएँ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि 15 सूत्री कार्यक्रम जो सरकार ने, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम जो चालू है, उसके अंदर सभी समा जाती हैं। 15 सूत्र यहाँ गिनाने से कोई मकसद नहीं है, सब लोग जानते हैं, व्यूअर्स भी जानते हैं। ये 15 सूत्र 5 मोटे हेडिंग्स के अंदर आ जाते हैं। पहला एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, तीसरा स्किल डेवलपमेंट, चौथा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज़, और हेल्थ सेक्टर जिसमें कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सिलम्स है इसके अंदर आ जाता है, या ICDS के अंदर छोटे बच्चों का कवरेज आ जाता है। ये हो गया पूरा 15 सूत्र वर्चुअली, ये तमाम हो गया। उसके अलावा स्कॉलरशिप की और कोचिंग की बहुत सारी योजनाएँ अभी 10-15 साल के अंदर शुरू हुई हैं और उनका अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो बजट एलोकेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसको उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है लोगों को, जो उस एंड पे जो बेनिफिशरी है ना उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती। और ये भी कई बार आपने अखबारों में देखा होगा वो कि माइनॉरिटी से संबंधित जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट एलोकेशन है वो पूरे यूटिलाइज नहीं हुए। जी, बहुत महती बात आपने कही खान साहब कि अवेयरनेस की कमी है, और निश्चित तौर पर उसमें अलग अलग वर्गों को सामने आना चाहिए। दूरदर्शन अपनी भूमिका हमेशा से निभाता रहा है, जो भी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जो बहुत महती योजनाएं हैं वो आप तक लेकर के आएँ। बेग साहब, आप तक मैं आऊँगा कि किस तरह से सरकार ने इसको जामा पहनाया है, एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाएँ हैं और उनका निस्तारण किस तरीके से? देखिए, किसी भी समाज और राष्ट्र के समन्वित विकास के लिए, उसके समग्र विकास के लिए, उस समाज के जितने भी अंग हैं सबका विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि आज़ादी के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, जी, वो शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर से बहुत पिछड़ गया है, और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने की वजह से वो जो दूसरे जीवन के अन्य क्षेत्र है उसमें पिछड़ रहा है। उसके पिछड़ेपन का प्रभाव न केवल उसके अपने व्यक्तिगत तो और सामाजिक जीवन पर पड़ा है, अपितु राष्ट्र का जो विकास है, हमारा राज्य और राष्ट्र का जो विकास है, समाज के जो विकास की धारा है वो भी उसे प्रभावित हुई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने ये महसूस किया कि इस समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाएँ, और उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो शिक्षा का माना गया है। जैसा कि अभी आपने कहा कि शिक्षा के लिए क्या ऐसा विज़न है, क्या एक ऐसा खाका है सरकारों के पास, तो सरकार के पास शिक्षा को लेकर के एक समन्वित दृष्टिकोण है कि एक तो एक्सेस है, हर बच्चा जो है उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए
उसकी सुविधाजनक तरीके से उसको शैक्षिक सुविधाएं मिले, स्कूल मिले, कॉलेज मिले, यूनिवर्सिटी मिले। दूसरे जो है कहीं ना कहीं उसको उसके सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए कोई उसका एक आर्थिक रूप से संबलन या प्रोत्साहन किया जाए। तो जो भी आपने बात की स्कॉलरशिप की बात की, तो स्कॉलरशिप जो है उसी में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि वो बच्चा जो स्कूल से जुड़ा हुआ है या वो बच्चा जो जुड़ना चाहता है या जुड़ने के बाद ड्रॉप आउट हो गया है, तो उसको एज एन इंसेंटिव या एज एन उसको एक इकोनॉमिक सपोर्ट के उसको या उसके गार्जियन को शिक्षा के साथ जोड़े रखने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं हमारे यहाँ संचालित हैं, सरकार की तरफ से संचालित हैं, जिसपे तीन प्रमुख हैं। एक तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, दूसरी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, तीसरी जो है मेरिट का मीन स्कॉलरशिप है, और एक स्कॉलरशिप और है जो ख़ास तौर से बच्चियों के लिए है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए है, वो बेगम हजरत बहल के नाम से है। तो ये चार प्रकार की स्कॉलरशिप की योजना है। जो प्री मैट्रिक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कक्षा एक से लेकर के 10 तक जो सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रोत्साहन योजना है, जिसमें तकरीबन उसको 4-5 हज़ार रुपये जो है साल में दिए जाते हैं। और उसकी योग्यता यही है कि वो 1 लाख उसके माँ बाप जो हैं, उसके माता पिता हैं, उसके अभिभावक हैं, उनकी इनकम हो, और 50% उसके अंक जो हैं वो लेकर के उत्तीर्ण हुआ हो, यही उसकी अनिवार्यता है। और इसमें वो कहाँ आवेदन करेगा, कैसे आवेदन करेगा, ये एक ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं समझता हूँ कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपके पास वापस आऊँगा, खान साहब आपके पास आता हूँ। आप जमीन से जुड़े व्यक्ति रहे हैं, आपने ग्रास रूट लेवल पर काम किया है और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी आपने तैयार किए हैं। जो खासतौर से आपने बड़ा मुद्दा जो शुरुआत में रखा कि अवेयरनेस की कमी है, किस तरह से उस गैप को हम कम कर सकते हैं? जैसे कि आपने कहा कि भाई एप्लीकेशन कोई करेगा तभी तो उसे मिलेगी, तो वो किस तरह से गैप है और उसको कैसे फिल कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसमें मैं बड़ी फ्रेंकली एक बात कहना चाहूँगा, माइनॉरिटीज 6 कास्टों से मिलकर बनती है, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, इन 6 से मिलकर बनती है। अब विद इन माइनॉरिटीज भी अगर एजुकेशन की हम बात करें तो कम से कम क्रिश्चियन, जैन और आपके सिख इनका माइनॉरिटी लेवल जनरल कास्ट से भी ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। तो उन सबके लिए एक सी स्कीमें नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। सोशली इकोनॉमिकली मच अहेड, उनका जो लिटरेसी लेवल है वो कम से कम 20-20% मुस्लिम माइनॉरिटी से ज्यादा है और जनरल माइनॉरिटीज से भी 10-10% ज़्यादा है। जबकि मुस्लिम्स का जनरल परसेंटेज जो है जनरल माइनॉरिटीज से वो 10% के करीब औसतन कम आता है, कम से कम राजस्थान और नॉर्दर्न इंडिया की दूसरी स्टेट्स के अंदर। तो इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि ड्रॉप आउट बहुत है और स्कूल न जाना, नो एनरोलमेंट। मैंने मिनिस्ट्री में जब था मैंने एक प्रपोजल रखा था जो चला भी कुछ दिन तक, आगे बढ़ा कि कुछ जैसा अभी शरफुद्दीन जी ने भी बताया कि प्री मैट्रिक और तमाम स्कॉलरशिप, दैट इज़ वन थिंग, लेकिन जो जा ही नहीं रहा है तो स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी? तो उनके लिए वॉलंटियर्स अपॉइंट कीजिए, जो ड्रॉप आउट को लेकर के, जो ड्रॉप आउट हो गया उसको रोके रखे स्कूल में, उसको कुछ पैसा दीजिए सरकारी बजट से कि भाई तुम्हारी ड्यूटी ये है कि इन 2 बच्चों को तुम निकलने नहीं दोगे, ड्रॉप आउट नहीं होने दोगे, पहली बात तो ये। तो उसके लिए एक एनरोलमेंट ड्राइव जो सरकार का चलता है, कोई बहुत बड़ा पैसे लगने की ज़रूरत नहीं है, एनरोलमेंट ड्राइव चलता है, आपके एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन का पूरा लवाजमा उसमें रहता, कम्युनिटी भी शामिल हो जाए उसके अंदर, और उस कम्युनिटी के उन यंग बच्चों को कुछ उसमें इंसेंटिव दे दीजिए, तो इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ड्रॉप आउट्स की और एनरोलमेंट ना होने। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताऊँगा, 10th के बाद जब मुस्लिम एजुकेशनल लेवल की बात आप करते हैं तो एकदम स्लैश डाउन हो जाता है, 10वीं क्लास तक तो फिर भी आपको मिल जाएगा कि भाई फिर वो रोजगार की तलाश में लग नहीं, रोजगार की तलाश में नहीं, वो जा ही नहीं रहे, उसके बाद में रोजगार जो जैसा मिलता है वो मिल जाए। तो ये इसके ऊपर काम करने की एक स्कीम चली हुई है हायर एजुकेशन की, आपके वो स्टेट लेवल की स्कीम है शायद, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में चला रखी है, जिसका 75% जिन बच्चों के मार्क्स आएंगे CBSE के अंदर और स्टेट के अंदर 65% आएंगे उनके लिए होगी, लेकिन वो इतना छोटा सा अमाउंट है, 1,000 बच्चों में इतनी बड़ी स्टेट में कहाँ उसका होगा। तो इन स्कीमों को बढ़ाया जाना चाहिए और वॉलंटियर्स की जो मैंने बात कही है आपको। जी,
मैं यहाँ खान साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि समाज और सरकार दोनों एक साथ मिलकर के जब आएंगी, जिन शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी टीचर्स जो हैं उन बच्चों को थोड़ा सा ख़ास तौर से और नर्चर करेंगे तो ड्रॉप आउट की जो परसेंटेज है उसमें भी कमी आएगी, और उनके भाई बहन परिवार समाज के जो लोग हैं अगर उनको भी बीच बीच में जाके अगर आप वीकेंड्स में या कभी भी एड्रेस कर सकें, उनसे संवाद स्थापित कर सकें, तो निश्चित तौर पर वो एनरोलमेंट रेशियो बढ़ने भी लगेगा। कमिंग बैक टू बेग साहब, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक दो हमने स्कीम अगर हम अटेम्प्ट करते हैं शुरुआत में, किस तरह से एप्लीकेशन का प्रोसेस है, क्या वेबसाइट है उसकी डिटेल? देखिए ये जो तीनों चारों स्कॉलरशिप हैं जो मैंने शुरू में बताया था, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स और बेगम हजरत महल, ये जो एक भारत सरकार का एक पोर्टल है स्कॉलरशिप पोर्टल जिसको कहते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, NSP पोर्टल, एक बार फिर से उसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नाम से एक पोर्टल है, NSP पोर्टल उसको कहते हैं जी। उस पोर्टल पर जिस संस्था में बच्चा पढ़ रहा है उस संस्था का उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है जी। रजिस्ट्रेशन के उसका KYC अपडेशन भी होना आवश्यक है और उसका आधार ऑथेंटिफिकेशन होना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले तो ये है कि उस संस्था में पढ़ने वाला बच्चा इन छात्रवृत्तियों के लिए तभी आवेदन कर पाएगा जब वो संस्था NSP पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगी, उसका KYC अपडेशन होगा, उसका आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा। मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि पिछले साल एक डेढ़ दो साल पहले जब समीक्षा की कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की छात्रवृत्ति के जो आवेदन हैं वो कम क्यों आ रहे हैं, वो उतनी मात्रा में क्यों नहीं आ रहे जितनी अपेक्षा की जा रही है, तो उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न जो सामने आया वो यही आया कि अधिक संख्या में जो शिक्षण संस्थाएं प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक वो NSP पोर्टल पर रजिस्टर्ड थी नहीं। और ये कमी हमारी संस्थाओं की भी थी, जो संस्था चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो जो भी चला रहे हैं, और साथ साथ अभिभावकों की भी थी, समुदाय की भी थी कि उनका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया जी। तो ये समुदाय, कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी कमी की वजह से ये कमी महसूस की गई। हम लोगों ने उस पर एक ड्राइव और एक अभियान चला करके, और बहुत अच्छी बात यह है कि राजस्थान में 98% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस समय NSP पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो अब उन सब संस्थाओं में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो आसानी से ऑनलाइन जो है NSP पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद वो संस्था के पास वो फॉर्म आ जाएगा ऑनलाइन, वहाँ से वो उसको वेरीफाई करेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो माइनॉरिटी ऑफिसर है वो उसको वेरीफाई करेगा और सीधे वो पोर्टल पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है वहाँ वो चला जाएगा और उसके जो सिलेक्शन है उसका वो हो जाएगा जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से, और उसके जो स्कॉलरशिप की जो राशि है वो DBT के माध्यम से सीधे उसके उसमें जमा हो जाएगी। ये मोटे तौर पर वो है। इसमें वो जो आपकी पोस्ट मैट्रिक वाली स्कॉलरशिप है वो कक्षा 11 से लेकर के और ऑनवर्ड्स स्नातक, स्नातकोत्तर या PhD तक, वहाँ तक है रिसर्च, जहाँ तक आप जाएँ आगे वहाँ तक वो मिलती है। उसमें मेरे ख्याल से 10 से 12-15 हज़ार रुपये तक एक बच्चे को मिल जाता है, तो उसकी भी जो है 2.5 लाख उसकी इनकम है अभिभावक की होनी चाहिए और पिछली परीक्षा में उसके 50% अंक होने चाहिए। तो कोई भी सामान्य रूप से कोई भी पढ़ने वाला बच्चा या विद्यार्थी जो है उस पर आवेदन कर सकता है। ये उसमें एक यहाँ मैं सभी विवश को और आपसे भी शेयर करना चाहूँगा कि भारत सरकार की ओर से ये स्कॉलरशिप दी जाती है तो इसके टारगेट फिक्स हैं, लेकिन आवेदकों की संख्या जैसे जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो वो जब ज़्यादा बढ़ी तो उन टारगेट को पूरा करने के बाद जो बच्चे वंचित रह गए थे, बहुत खुशी की बात यह है कि उन वंचितों को जो है राजस्थान सरकार ने अपने फंड से उन सबको स्कॉलरशिप दी। तो पिछले जो जितने भी आवेदक थे, सफल आवेदक थे, पात्र आवेदक थे स्कॉलरशिप के, उन सबको वो स्कॉलरशिप मिली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता रुझान जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन अंत में मैं यही विवाद से कहना चाहूँगा, अभिभावकों से खासतौर से संस्थाओं से भी निवेदन करना चाहूँगा स्कॉलरशिप के संदर्भ में कि जो संस्थाएं NSP पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, नई खुल रही हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अभिभावक जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, वो ध्यान रखें कि वो अपने बच्चों, वो संस्था जो है NSP पोर्टल पर रजिस्टर्ड है नहीं है, अगर नहीं है तो आप उनसे आग्रह करें, वो करवाएंगे, तभी जाकर के आपका बच्चा समय पर जो है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर पाएगा। मैं खान साहब के पास आता हूँ, उससे पहले आपसे शुरू वापस से करता हूँ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, जो आपने खास योजना का नाम लिया हजरत महल योजना बच्चियों के लिए जो है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें, फिर मैं गर्ल्स से जुड़े हुए सवाल कराऊंगा। एक एक्सक्लूसिव एक स्कॉलरशिप स्कीम है बेगम हजरत महल के नाम से,
वो सिर्फ बच्चियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है, और कक्षा 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल के लिए वो मिलती है। 9th में बच्ची आवेदन करेगी, वो 2 लाख रुपये उसकी इनकम होनी चाहिए और 50% उसकी पिछली परीक्षा में होना चाहिए, वो आवेदन करेगी। तो बड़ी संख्या में बहुत खुशी की बात है, तकरीबन 10,000 बच्चियों ने इस बार जो है राजस्थान में आवेदन किया है कक्षा, तो उनको वो 4 साल तक लगातार मिलती है, और वो भी उनको जो है 5,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से, इस प्रकार से वो उनको 20,000 के आसपास स्कॉलरशिप मिल जाती है जी। और वो भी डीबीटी के माध्यम से, वो भी डीबीटी, वो एनएसपी पोर्टल पे ही होता है, उसी सिस्टम से होता है वो। तो ये है सिर्फ बालिकाओं के लिए, तो इससे जो है बालिकाओं में शिक्षा के प्रति काफ़ी रुझान हुआ है। आवेदनों की संख्या जो पहले 4-5 हज़ार हुआ करती थी, वो बढ़ करके अब 7-10 हज़ार के आसपास पहुंची है इस साल। तो इस ओर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक और जो बालिकाओं के लिए है, जो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त कहना चाहूँगा, वो एक है उच्च शिक्षा, मुख्यमंत्री जो उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक समुदाय की वो बालिकाएं जो 12th क्लास में अच्छे नंबर लेकर आ रही हैं, 65% से ऊपर लेकर के आई हैं, और उनको उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति मिल रही है, तो उसके प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये अतिरिक्त तो उसको जो है स्कॉलरशिप और दी जा रही है जी, उस स्कॉलरशिप के अलावा जो उच्च शिक्षा की में उसको मिल रही है। उसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय की बच्ची को खासतौर से प्रोत्साहन राशि के रूप में वो दी जा रही है। तो उससे ये हो रहा है कि हायर एजुकेशन में बच्चियों का जो प्रतिशत है, उनका जो नामांकन है, वो बढ़ रहा है जी। खान साहब, आपके पास आता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम है, लेकिन जब तक बच्चियाँ आगे नहीं आएंगी, उसका लाभ नहीं ले पाएंगी। किस तरह से हम इस प्रतिशत को और बढ़ा सकते हैं? अच्छी बात बताइए आपने कि 5-6 हज़ार से बढ़ के 10,000 फॉर्म्स आए जी। इन्हीं के महकमे की एक स्कीम और जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, काली भाई भील स्कूटी योजना, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, उसमें वो लड़कियां जिनके 65% या 75% मार्क्स आए हैं और उसको उन्होंने, तो उनको स्कूटी दी जाए, लेकिन वो अगेन कमिंग बैक, वो इतना कम उसमें एलोकेशन है, 700 पिछले साल कहीं में पढ़ रहा था शायद 750 या 1,000, अब वो बढ़कर के जो है अब उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसमें एक इंसेंटिव आएगा। और कमिंग बैक अगेन, एक और प्रॉब्लम जो गर्ल्स के उसमें आती है, पर्टिकुलरली मुस्लिम गर्ल्स के उसमें, कि जो वो को एजुकेशन में बहुत सारी जाना नहीं चाहती हैं जी। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो को एजुकेशन में, मैं तो ट्रस्ट के चलाता हूँ, मैं अगर कंप्यूटर कोर्स भी चलाता हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि भाई बैच अलग रखेंगे, बैच अलग रखेंगे या साथ रखेंगे, तो फिर उनको कन्विंस करता हूँ कि साथ में रहेगा या अकेला रहेगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है। तो इसमें एक जो गर्ल्स के स्कूल्स हैं वो उस लिमिट में नहीं मिल पाते, 2-4-5 किलोमीटर एक्सक्लूसिव गर्ल्स के वो नहीं मिल पाते हैं, तो उससे वो, क्योंकि जो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं या पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादातर जो है उनका कंसंट्रेशन राजस्थान की रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ, जोधपुर में है, जयपुर में है, कोटा में है, वहाँ पे वो को एजुकेशन के अलावा वो एक्सक्लूसिव स्कूल जो है, एक अब तो खैर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एक टॉयलेट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ये जनरल भी आती है, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम गर्ल्स, जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और काफ़ी हद तक इसका प्रधानमंत्री की जो स्कीम चली है टॉयलेट्स की नेशनल स्कीम, उसमें काफ़ी हद तक इसको किया भी गया, पूरा भी हुआ इंडिविजुअल के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी। तो इसमें तो यही है कि जैसे जैसे एजुकेशन एक एरिया में, जो शायद इनके महकमे में कहीं उसको कवर किया हो तो मुझे पता नहीं, जो मेरे दिमाग में बार बार आती हो, मैं सजेस्ट भी करता हूँ जिस लेवल पर मुझे मौका मिलता है, कि मुस्लिम गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए एक ओपन स्कूल का जो कंसेप्ट है ना, इसका यूटिलाइजेशन किया जी, इसका बहुत करीब करीब नेग्लिजिबल यूटिलाइजेशन, और उसमें फीस भी कम है, फीस भी और कम आप है, घर बैठे थोड़ी सी कोचिंग कर दीजिए। और एक और फायदा है उसके अंदर, आपको स्कूल की अलहदा से जरूरत नहीं है, आपको शाम को जो स्पेयर कैपेसिटी है स्कूल की, हाँ, फर्नीचर, क्लास लग सकती, फर्नीचर की, मैन पावर की, उसका यूटिलाइजेशन करके 2-3 महीने कोचिंग कराइए, हाई स्कूल का फॉर्म भरवाइए, बच्चे निकलते चले जाएंगे। इसके ऊपर काम पता नहीं शायद नहीं हो रहा है, ये आइडिया मैं सबको देता हूँ। और एक आध मैंने ओपन स्कूल से जुड़े हुए एक आध सेंटर, जैसे चुरू में गवर्नमेंट कॉलेज चुरू के अंदर एक कायम है सेंटर, उसके थ्रू काफ़ी काम हो रहा है, डॉक्टर शेख हैं एक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उस पर बहुत काम कर रहे हैं। तो इस तरह का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, तो समाज के लोग अगर थोड़ा आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ी मदद हो सकती है। एक तो जो पेरेंट्स एजुकेटेड हैं
और जिन पेरेंट्स में अभी शिक्षा का लेवल उतना नहीं है, अगर उनसे संवाद करें कि हमारी बच्ची भी कोएड में जाती है, तो एक मानसिक एक ब्लॉकेज ही है, मेंटल ब्लॉकेज और कुछ भी नहीं है, तो धीरे धीरे वो रिजॉल्व होगा, वो सॉर्ट आउट होगा, अपने घर परिवार आसपास के लोगों के साथ संवाद अगर स्थापित करेंगे इस विषय पर कि कोएड में भी पढ़ने भेजा जा सकता है और उनके अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं और प्रोग्रेस हो रही है, एक तो वो हो सकता है। जो खान साहब ने अच्छा सजेशन दिया, ओपन स्कूल को जो कि लीगली वैलिड है, सरकारी नौकरी गैर सरकारी नौकरी सभी जगह मान्यता है, चाहे नेशनल ओपन स्कूल की बात करें, इग्नू की बात करें, और दूसरा अभी तो भारत सरकार ने स्वयं SWAYAM स्वयं पोर्टल की भी शुरुआत की, जिसपे बहुत बेहतरीन कंटेंट जो है, दुनिया के बेहतरीन जो टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं उन्होंने जो कंटेंट बनाया है वो उपलब्ध है। बहुत नॉमिनल फीस पर आप उसमें सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और उस सर्टिफिकेशन को एम्प्लॉयमेंट के लिए उसके क्रेडेंशियल्स काउंट किए गए। इवन आप अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं और वहां से अगर कोई शिक्षा अर्जित करते हैं तो वो जो क्रेडिट आपने अर्न किए वो यूनिवर्सिटी उसको कंपनसेट करती है, उसको ऑनर करती है। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है जिस पर डिजिटल क्रांति के दौर में जो हुए हैं, खासतौर से कोविड और कोविड के बाद हुए, उनका लाभ आसानी से लिया जा सकता है। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज़ जोड़ दूं, मैं ओपन स्कूल को लेकर के अभी एक इनोवेशन हुआ है। वैसे तो ओपन स्कूल क्या है कि सबके लिए है, और अभी हमने जो देखा है स्टेट ओपन स्कूल भी है, नेशनल स्टेट ओपन स्कूल भी, NIOS भी है, तो दोनों के माध्यम से ये ओपन स्कूलिंग चली रही है। तो बहुत खुशी की बात है कि अभी पिछले 2-3 एग्ज़ाम के पहले जब हुए थे तो जिस बच्ची ने राजस्थान स्टेट ओपन में जो टॉप किया था वो अल्पसंख्यक समुदाय की बच्ची थी। तो ऐसा नहीं बच्चियां जो है उससे जुड़ रही हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, कहीं ना कहीं एक स्पेशल स्कीम के तहत, एक मोमेंट के तहत जो है अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों को, वो खासतौर से किशोरियाँ जो ड्रॉप आउट हो चुकी हैं, एक कंपेन के जरिए से उनको जोड़ने की आवश्यकता है। इसी दिशा में हमने एक प्रयास किया है, मदरसा जो राजस्थान मदरसा बोर्ड है वो 8वीं तक जो है राज्य सरकार ने वहाँ परीक्षाओं को मान्यता दे रखी है। वहाँ समस्या ये थी कि 10वीं और 12वीं में जो है वो मान्यता नहीं थी, तो एक अभी स्टेट ओपन स्कूल जो बोर्ड है उसके साथ राजस्थान मदरसा बोर्ड ने एक MOU किया है। अच्छा, वहाँ शिक्षा अर्जित करें और एग्जाम वहाँ, वो MOU किया है, वो किया है कि कोई भी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची जो वो अपने मदरसे में पढ़ रहा है वो स्टेट ओपन स्कूल से अपना आवेदन करके और वो वहाँ से अपनी परीक्षा दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चियाँ हैं अल्पसंख्यक समुदाय की उनके लिए उसमें वो निशुल्क है, उनकी फीस भी उसमें माफ़ है, वो बिल्कुल निशुल्क है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इसको एज एन एक्सपेरिमेंट, एक अलग से एक स्कीम के तौर पर, एक योजना के तौर पर अलग से करने की आवश्यकता है, इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले पार्ट पर, किस तरह से रेजिडेंशियल स्कूल या ITIs के लिए खास स्कीमें इसमें रखी गई हैं। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अब सबसे अच्छा एक बात जो इनोवेशन राजस्थान में हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की स्कीमें हैं उसको, आवासीय विद्यालयों का जो भवन है उसको निर्माण और छात्रावासों के निर्माण है, तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अभी इस समय पिछले सत्र से राजस्थान में 16 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का संचालन सीनियर सेकेंडरी लेवल तक जो है प्रारंभ हो गया है। सीनियर सेकेंडरी 16 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए 16 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय वो संचालित कर दिए गए हैं। उनका जो भवन है वो भी निर्माणाधीन है, तब तक भवन बनेगा तब तक वो किराए के भवन में संचालित कर दिए गए हैं, और उनमें से कुछ राज्य सरकार के फंड से, कुछ भारत सरकार के फंड से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो उनका भवन बिल्डिंग है वो, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। अब उनमें से इस साल जो वो विद्यालय चालू किए गए हैं वो कक्षा 6, 7, 8 में पहले चरण में किए गए हैं। अब वो जो इस साल 8वीं क्लास में जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे तो उसको सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी तक हम लेके जा रहे हैं, तो फेज़ वाइज जो है वो आने वाले समय में सीनियर सेकेंडरी स्तर तक पहुँच जाएंगे। ऐसी छात्रावास है, छात्रावासों के विकास के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के फंड से वो जो हॉस्टल्स हैं उनकी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। अभी लगभग 50 हॉस्टल जो हैं अल्पसंख्यक समुदाय के बालक बालिकाओं के लिए समय संचालित हैं, जो 20-25 जो 20-22 के आसपास जो हॉस्टल्स हैं वो तो खुद के अपने भवन में हैं, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकारों के अगर कोई आंकड़े के तौर पर अगर आप कोट करना चाहें कि लगभग कितने बच्चे इससे अभी तक 50 हॉस्टल हैं इस समय कुल मिलाकर के, 50 हॉस्टल में लगभग 2400-2500 के आसपास बच्चे जो हैं, बच्चे और बच्चियां वो लाभान्वित हो रहे हैं। स्कूल में जो पढ़ने वाले हैं
अच्छा, ये तो 100% रेजिडेंशियल है। ये तो ये स्कूल में अभी 16 आवासीय विद्यालय हैं, कक्षा 6, 7, 8 उसमें चल रही है, और पहले ही साल में जो है तीनों कक्षाओं में तकरीबन 1100 बच्चे और बच्चियां जो है वो अभी अध्ययनरत हैं, पहले ही साल में वहाँ नामांकन हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोलह डिस्ट्रीब्यूशन वो आपके भरतपुर में है, आपके अलवर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, आपके उदयपुर में है, उसके अलावा सवाईमाधोपुर में है, और ये जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें वो है, ये लगभग 11 जिलों में। सीकर में पढ़ने के लिए शुल्क निःशुल्क है, निःशुल्क है बिल्कुल। आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है जो जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के पैटर्न पर भी ये आवासीय तो क्वालिटी एजुकेशन भी है, क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल निःशुल्क, आवास भोजन निःशुल्क है, और यही निःशुल्क नहीं है, उनको स्किल डेवलपमेंट भी वहाँ निःशुल्क है, बच्चियों के लिए जो एक तरह से जो उनकी डिफेंस जो ट्रेनिंग है वो भी वहाँ दी जा रही है, उसके अलावा उनका हेल्थ चेकअप वगैरह की वो फैसिलिटीज वहाँ उनको दी जा रही है। तो इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट एक जगह पर रहते हुए बच्चे बच्चियों का कैसे हो, गुणात्मक रूप से वो शिक्षा कैसे अर्जित करें, सब कुछ निःशुल्क है, उनको आवास भोजन उनके वेशभूषा जितने भी सब चीज़ें किताबें वगैरह सब उनको जी निःशुल्क है। खान साहब आपके पास आता हूँ, हमें एक मिनट में समाप्त करना है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी की और जैसा बेग साहब ने बताया कि उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी भी जो गैप है कि जो सोसाइटी में कुछ लोग अगर आगे आए तो वो इसको और इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर, या कहीं कुछ गैप्स हैं तो वो एक संवाद के तौर पर सरकार तक अपनी बात रख सके, उसे कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, उसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं एक ही मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। एक तो जो माइनॉरिटीज़ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैंने बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट लेते हुए इन प्रोग्राम्स में नहीं देखा, मुद्दों पर नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। जी जी, तो उनके साथ ये पाबंदी हो कि जो मीटिंगें होती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के लेवल, दो कमेटी इनकी बनी हुई है, लेकिन मॉनिटरिंग जो है वो अफेक्टिव नहीं है, मॉनिटरिंग अफेक्टिव नहीं है। सीएस लेवल की मीटिंग पता नहीं कब होती है, साल में फीडबैक और मॉनिटरिंग की आवश्यकता। अच्छा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग्स का, बिकॉज आई वाज माईसेल्फ कलेक्टर फॉर 7 ईयर्स, मैंने देखा है, आगे पीछे की पूछा भी है, एडीएम साहब ये मीटिंग ले लेना, ये कर लेना, और उसमें भी वो जो मैटर करते हैं जैसे माइनॉरिटी से रिलेटेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं या ऑफिसर्स हैं, वो सब आ करके अगली मीटिंग के अंदर जवाबदेही और वो उसकी बहुत मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा कमी है इसके अंदर। तो ये अगर चीज़ें हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ। और एक और लास्टली वो ये है कि माइनॉरिटीज़ की स्कीम्स बता दी इन्होंने शरफुद्दीन साहब ने, मैंने भी कुछ अर्ज कर दिया, लेकिन जो जनरल स्कीम है वो तो सब आपके लिए ओपन है, वो तो ओपन है ही है, ये तो इन एडिशन टू है, ये इन्हीं का आप फायदा पूरा नहीं ले पा रहे, उनकी तरफ भी कन्वर्जेंस भी कुछ होनी चाहिए हम दूसरे महकमों के साथ, भाई कौन कौन सी स्कीम है जिसमें माइनॉरिटीज के लिए कोई पाबंदी है क्या? जी जी, उनके लिए तो ये प्लस ये डबल हो गई, डोड़ी हो गई स्कीमें, उनका उनकी तरफ ध्यान कम जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा में जो हम बातें आपके सामने लेके आए हैं, जो गैप्स लेकर के आए हैं, वो न केवल आप अपने तक रखेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, और सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, देश को आगे ले जाने की पूरी कोशिशें चल रही है, और निश्चित तौर पर फल दिख भी रहा है कि पूरा विश्व हमारी बात, हमारे वजन को मानने लगा है। लेकिन जो इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी है खुद के प्रति, सबसे पहले खुद के प्रति, फिर समाज और देश के प्रति, अगर हम खुद अपने हक के लिए जागरूक हो जाएंगे और ये जो भाई साहब हैं इनका सही इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन के लिए कहेंगे, जैसा खान साहब ने कहा कि इतनी स्कीमें हैं जो दूसरे महकमों की भी हैं, स्पेशल माइनॉरिटीज़ की तो है ही है, इन सब को अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर हम जल्द ही खुद को, देश को आगे ले जाने में सफल होंगे। आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे फिर इस प्रकार चर्चाएँ होती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार।